अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन करना है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ये तीन टर्म्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सिस्टम। पहले नंबर पे सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड नंबर पे बाउंड्री को, बाउंड्री। और थर्ड नंबर पे हमारे पास सराउंडिंग होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनकी मेन मेन डेफिनेशन देखेंगे, लास्ट में एक जनरल एग्जांपल देंगे। ये मेन चीज़ हमारे पास इनकी सबकी डेफिनेशन होगी। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री क्या होती है। पहले एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बाद में नेक्स्ट चीज़ पर जाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास एक कप है चाय का, ये मेरे पास एक चाय का कप है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, पहले सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की बिल्कुल आसान आसान से डेफिनेशन है। और पास्ट पेपर में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ये दो डेफिनेशन पूछेगा, सिस्टम की लाजमी होगी, इसके साथ या तो बाउंड्री कहेगा या कोई और चीज़ कहेगा, सही है, या सराउंडिंग कहेगा। अब मैंने इस कप के अंदर चाय डाली हुई है, इस कप के अंदर चाय डाली हुई है। अब मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें देखनी है कि इसमें सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। और इसको मैंने रखा हुआ है टेबल के ऊपर, इसको मैंने टेबल के ऊपर यहाँ पर रख दिया है। चलो जी, अब मेरे पास जो मेन चीज़ है ना, वो मेरी चाय है, सही है। अब ये चाय है ना, ये मेरे पास ये सिस्टम है। ये क्या है, सिस्टम। अब जरा गौर करेंगे ना, चाय के ऊपर थोड़ी देर रखोगे ना, इसके ऊपर वो मलाई सी आ जाती है, जिसे समझाने के हद तक है, सही। वो जो मलाई की पतली सी लेयर आती है, ये इमेजिनरी बाउंड्री होती है, याद रखिए, ख्याली होती है, जो बिल्कुल सिस्टम के ऊपर आ जाती है। इसको हम नाम देते हैं बाउंड्री का। क्या नाम देते हैं, बाउंड्री। चलिए, अब तीन दो बातें हो गई। सिस्टम क्या है, हमारे पास जो चाय हमने लेकर रखी हुई है, वो हमारे पास सिस्टम है, उसके ऊपर बिल्कुल जो पतली सी लेयर आ जाती है, उसको हम बाउंड्री का नाम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ है, मसलन कप, मेज, इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हवा वगैरह, जो भी चीज़ आ जाती है, वो सारे के सारी चीज़ें सराउंडिंग में आएंगी। किस में आएंगी, सराउंडिंग में। अच्छा, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने बताना है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। मेरे पास ना एक फ्लास्क है, अकमिशी के हवाले से मैं लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लास्क है। इस फ्लास्क में मैंने एक रिएक्शन मिक्सर डाला हुआ है। इस फ्लास्क में मैंने क्या किया जी, एक रिएक्शन मिक्सर डाला हुआ है। ये दो चीज़ें मैं सपोज कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी नहीं हमने बुक को ही कॉपी करना है। आप NaCl HCl कर लो, सही है, NaOH HCl कर लो, वो आपकी मर्जी है, सही है। यहाँ मैंने क्या किया, कॉपर लिया है और जिंक सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट, इन दो चीज़ों का रिएक्शन करवा रहा हूँ, कॉपर का और जिंक सल्फेट का रिएक्शन करवा रहा हूँ। आपने सिंपल सी बात ये बतानी है कि ये वाला जो रिएक्शन मिक्सर, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब सिंपल सी बात आपको बताने लगा हूँ, सिस्टम की पहचान करने का तरीका, जो भी चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन के नीचे होगी, जो भी चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, उसको हम सिस्टम कहेंगे। जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे होंगे, उस चीज़ को नाम देते हैं सिस्टम का। अब इसके ऊपर जो बारीक सी एक लेयर होगी, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल होती है, ये बिल्कुल इसके ऊपर मौजूद नहीं होती कि ये बाउंड्री है, नहीं, ये सिर्फ आपने ख्याल करना था, ये बिल्कुल इसके ऊपर बाउंड्री है, सही है। हाइपोथेटिकल लेयर होती है जो कि सिस्टम को सेपरेट कर रही है। देखो, इसके बाहर क्या होगी, हवा सारी की सारी, सही है। और हवा हमारे पास क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। हवा क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। और ये जो लेयर दो चीज़ों को सेपरेट कर रही है, सिस्टम को और सराउंडिंग को, ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है बाउंड्री। क्या कहलाती है, बाउंड्री। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है, सिस्टम भी एक ही चीज़ होगी, बाउंड्री भी एक ही चीज़ होगी, लेकिन सराउंडिंग ज़्यादा चीज़ हो सकती है। मसलन आपकी एयर भी सराउंडिंग है, जिसके ऊपर आपने ये रखा हुआ है वो भी सराउंडिंग, आपका अपना जिस्म सराउंडिंग है, आपका अपना जिस्म, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका अपना जिस्म खुद का सराउंडिंग है, वो सारे के सारे सराउंडिंग के ज़मरे में आएंगे। तो सबसे पहले बात, सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। सिस्टम क्या था जी, एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन,
अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इसका हम नाम क्या देते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम, इसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। अब ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री, ये इमेजिनरी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इमेजिनरी, ये ख्याली है सिर्फ। एनी इमेजिनरी बाउंड्री विच सेपरेट द सिस्टम टू सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री। एनी एनी नहीं एन इमेजिनरी, एन इमेजिनरी बाउंड सरफेस, बाउंड्री क्योंकि हमने डेफिनेशन करनी है, बाउंड्री वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस, कोई भी इमेजिनरी सतह जो कि सेपरेट कर रही थी विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, इसका हम नाम देते इज कॉल्ड बाउंड्री। और लास्ट हमारे पास आ जाती है जी सराउंडिंग की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है जी, कहता है हमारे पास सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ होगी उसको हम नाम देंगे सराउंडिंग का, एनीथिंग कोई भी शहर एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा कोई भी शहर जो होती है इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड सराउंडिंग, इसको हम सराउंडिंग का नाम दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल एक सिंपल सी दूंगा आपको यहाँ पे, जिसमें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास एक मिक्सर है जिसमें कॉपर और जिंक सल्फेट को मिलाया हुआ है, ये जो मिक्सर हो गई हमारे पास सिस्टम कहलाएगा, इसके अलावा ये फ्लास्क टेबल वगैरह जहाँ पे हमने इसको रखा होगा वो सराउंडिंग होगी, जो लेयर इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है वो हमारे पास बाउंड्री होगी, वो चीज़ हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री होगी। अच्छा इसमें ना आपने ये वाली डायग्राम लाजमी बना लेनी है, ये डायग्राम आपने बनानी पड़ेगी। सही, सपोज वी हैव अ मिक्सर ऑफ, हम फर्ज कर लेते हैं सपोज वी हैव, ज़रूरी नहीं आपने ये दो एलिमेंट लिखने, यहाँ पे कोई और भी चीज़ लिख सकते हो, मसलन NaCl HCl लिख लो, तो ये NaOH, सपोज कि मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ NaOH प्लस HCl, इन दो चीज़ों का मिक्सचर बना लो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हम एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक सल्फेट, हमारे पास एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक सल्फेट का, इन अ कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये मिक्सचर है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, ये जो केमिकल्स का मिक्सचर है, केमिकल्स इज सिस्टम, इसको हम सिस्टम का नाम दे देते हैं। सही है, अब सिस्टम के अलावा एक्सेप्ट मिक्सचर ऑफ केमिकल्स केमिकल्स के मिक्सचर के अलावा एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ सकती है, कॉनिकल फ्लास्क टेबल ई टी सी आर सराउंडिंग, ये हमारे पास सराउंडिंग होगी। सही है, और इसके बाद यही चीज़ लिख दीजिएगा, ये वाली एन इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सही है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं होती, ये सिर्फ ख्याली चीज़ है, इसको आप तसव्वुर कर सकते हो। यह था हमारे पास सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग क्या, मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बताओ कि सिस्टम क्या चीज़, जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो ना, सही, उस वो जो चीज़ है जिसको स्टडी कर रहे हो वो हमारे पास सिस्टम होगा, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ सराउंडिंग होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।